हेलो गाइस, आइए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए, एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि एक सेट आपका ए दिया हुआ है, ठीक है, सेट ऑफ एक्स, जहाँ एक्स आपका इस फॉर्म का है, तो आपका इसको जीएलबी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो भी एक्स का मेरा एलिमेंट है वो क्या है, एन स्क्वायर प्लस वन बाई एन स्क्वायर प्लस टू, ऐसा है। ठीक है, अगर आप इसको देखें, ठीक है, तो ये क्या है, तो ये है आपका n प्लस वन बाई एन का होल स्क्वायर, यही है। ठीक है, यही चीज है ये। तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये मेरा पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे भी देखिएगा, तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी आपका पॉजिटिव वैल्यू है, और ये टू है, तो टू में क्या हो रहा है कि कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रहा है ना, यानी ए का जो भी वैल्यू होगा एक्स, वो हमेशा क्या होगा, टू से ग्रेटर होगा। तो क्या लिखेंगे, क्लियरली फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मेरा एक्स क्या होगा, हमेशा जो टू है उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है, या इक्वल होगा। क्लियर है? ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, ये होगा। तो यानी कि ये हमको पता चल गया कि सारा एलिमेंट मेरा दो से बड़ा है या बराबर है, तो दो मेरा क्या हो गया, ये मेरा जो टू है, हम बोल सकते हैं कि सेट ए जो है वो बाउंडेड बिलो है, ठीक है, बाई टू। ठीक है, देयर फोर क्या लिखेंगे, टू इज लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ऑफ ए। क्लियर है? ठीक है, बट हमको क्या बोला है, हमको निकालना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, और चूंकि सारा एलिमेंट मेरा क्या है, टू से ग्रेटर है या बराबर है, तो टू मेरा क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। तो आइए हम लोग इसका जीएलबी निकालते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए देखिए यहाँ पे एक टेक्निक अपनाएंगे हम लोग, एम जी एम वाला। ठीक है, क्या है, हम लोग जानते हैं फॉर टू पॉजिटिव नंबर, फॉर टू पॉजिटिव नंबर, वी नो कर दीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जनरली कंपटीशन में आता है, बट एक बार एग्जाम में आ गया था, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, और बहुत पहले आया था, अब तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप एक यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाइए, वी नो फॉर टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, क्या होता है, जो अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, वो क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन। ओके, ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू, और इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए इंटू बी का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से हम लोग, अगर हम लोग ए को ले लें एन स्क्वायर, तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, और बी को ले लें वन बाई एन स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव है, देन क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू, यानी एन स्क्वायर प्लस वन बाई एन स्क्वायर बाई टू, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू वन बाई एन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट वन आ रहा है, तो ये वन ही है। ठीक है, इसको अगर आप क्रॉस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस वन बाई एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ये टू को क्रॉस कर दिए। ठीक है, तो अब इसमें दोनों तरफ क्या कीजिए, आप टू ऐड कर दीजिए, तो दोनों तरफ अगर टू ऐड कर देंगे, इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका फोर। ठीक है, दोनों तरफ टू ऐड करने से फोर आ गया, तो यही मेरा टर्म है। ठीक है, जो क्या है, ए का एलिमेंट है, आप देख रहे हैं ऊपर में दिया हुआ है, ए का एलिमेंट इसी फॉर्म का है। ठीक है, तो डेफिनेटली क्या है कि ए का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, वो आ गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। ठीक है, तो दो मेरा देखिए लोअर बाउंड जरूर था, लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है। हाँ, मेरा फोर क्या हो गया, ये मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। ठीक है, ओके, तो दस हम लोग क्या लिखेंगे, दस, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, चूंकि ये मेरा पूरा एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो बात आई है। ठीक है, एक क्या कि आपका एक्स जो है वो टू से ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो यहाँ पे आप लोअर बाउंड इसको बोल दिए, फिर आ गया ये फोर से ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये भी आपका लोअर बाउंड है। ठीक है, बट ये आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, क्यों, इसलिए कि हम लोग यहाँ पे ये इनइक्वालिटी लगा करके इसको फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, तो हमको क्या है कि अब इससे बड़ा वैल्यू नहीं मिल सकता। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे देयरफोर वी कैन राइट द लोअर बाउंड्स, द
लोअर बाउंड्स ऑफ ए एज, कैसे लिख सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि भाई इसका जो लोअर बाउंड है वो क्या है, 2 है, ठीक है, फिर 2.5 भी होगा, 2.6 भी होगा, 2.7 जो भी है, ये सारा कुछ होगा, 3 भी होगा, इस तरीके से 4 भी, ठीक है, क्योंकि 4 से भी जितना भी वैल्यू है सब ये आपका ग्रेटर है और इक्वल है, तो ये जितने भी लोअर है इसमें सबसे अब ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो गया, 4, ठीक है, तो देयर फॉर जो जी एल बी है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो क्या हो जाएगा ऑफ ए, वो हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा माइंड वर्क करके हम लोग को कुछ कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसके लिए भी आप थोड़ा अपना माइंड मेकअप रखिएगा, ठीक है, और नर्वस नहीं होना है कि भाई हर जगह कैसे इस तरह का नया दिमाग लगाएंगे, देखिए न्यू दिमाग ही आपको ऊपर तक ले जाएगा, ठीक है, तो जो जो आपके पास आ रहा है उसको बस एक बार आप उसको रिवाइज में रखिएगा तो आपके लिए वो ठीक रहेगा, ठीक है। ऐसे इन जनरल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आइए आगे कुछ हम लोग और देखते हैं। इसको पहले हम लोग पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है, देखिए तो कुछ और भी हम लोग के पास में इस तरह का एग्जाम्पल है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड जो हमारा इंटरवल है उसके बारे में आइए हम आपको कुछ कुछ बता देते हैं, ठीक है, वो भी आपको जानना चाहिए, तो देखिए कुछ कुछ नोट हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, नोट्स क्लियर है, ठीक है। नंबर 1, जैसे मान लीजिए फॉर क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल सेट, आपको एक सेट है जो कैसा दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, s इक्वल टू ए बी, ऐसा, तो अगर क्लोज इंटरवल सेट है, ठीक है, तब इसमें तो कोई जो है बात ही नहीं है, इसमें डायरेक्टली आप बोल देंगे कि a क्या है, इसका लीस्ट अपर बाउंड है, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट, ये आपका हो जाएगा जी एल बी, ये हो गया अपर बाउंड, तो अपर बाउंड का ये लीस्ट होगा, तो ये हो जाएगा आपका लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, और ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी है, तो अगर आपको क्लोज इंटरवल दिया हुआ है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे कि ए जो होगा आपका वो होगा जी एल बी, या इसी को आप क्या बोलते हैं इन्फिमम ऑफिस, और जो आपका बी होगा वो आपका होगा एल यू बी, लीस्ट अपर बाउंड, या बोलिए सुप्रीमम ऑफ एस, ठीक है, तो अगर क्लोज इंटरवल है तो आप डायरेक्टली उसमें बता सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए अच्छा यहाँ पे ये दोनों इसमें अटेंड कर रहा है, ए भी अटेंड करेगा और बी भी अटेंड करेगा, ठीक है, ओके, अच्छा इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास ऐसा दिया हुआ है, आपका ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल एस इक्वल टू ऐसे ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, तो अगर ओपन इंटरवल है तो इसमें भी आप देखेंगे तो अगर हम ए को ही ले लें तो ए का मतलब क्या होगा कि यहां पर जो वैल्यू है वो ए और बी के बीच का है, ठीक है, समझिए आप बात को बढ़िया से, हाँ ये आपका ए है ये आपका बी है, तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि इसको छोड़ करके ए को छोड़ के बाकी वैल्यू आप लेंगे और बी को भी आप छोड़ देंगे नहीं लेंगे, ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए अगर हम ए को ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि ए से सारा वैल्यू क्या होगा मेरा छोटा होगा, ठीक है, तो ये लोअर बाउंड है, ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है, इसलिए कि ए के बाद जस्ट जो वैल्यू है वो तो आपका फिर सेट में मौजूद है, सेट आपका देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका सेट है, ये वाला ये आपका सेट है, ठीक है, तो ए के जस्ट बाद तो सेट स्टार्ट हो जा रहा है, तो यानी क्या है, यानी जो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो भी ए होगा, इसी तरीके से जो अपर बाउंड है वो बी होगा, ठीक है, और जो लीस्ट अपर बाउंड है वो भी बी होगा, तो ये सब रिजल्ट है जो आप याद जो आपको याद रखना होगा फास्ट वर्क करने के लिए कि अगर ओपन इंटरवल है तो क्या होगा, तो ए आपका कहलाएगा जी एल बी या तो इन्फिमम ऑफ एस, ठीक है, और आपका जो बी है वो क्या कहलाएगा, वो बी आपका कहलाएगा एल यू बी या तो सुप्रीमम ऑफ एस, ठीक है, ओके, तो आपको ध्यान ये देना है कि चाहे ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो दोनों केस में जो बाउंड्री वैल्यू है वो आपको जी एल बी और एल यू बी मिल जाता है दोनों केस में, बस फर्क ये होता है कि ये अटेंड करता है, क्लोज इंटरवल में ये अटेंड कर रहा है, ठीक है, अटेंड
इन एस, ये भी आपका अटेंड इन एस, ये दोनों सेट में से मिल गया, लेकिन इसमें आपको दोनों जो है वो अटेंड नहीं कर रहा, तो नॉट अटेंड इन एस, यानी दोनों एस में नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो ए और बी तो एस में नहीं है, लेकिन वो इसका सुप्रीमम और इन्फिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इस केस में देखिए ये मैक्सिमम भी है इस, और ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, लेकिन इस केस में ये मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम के लिए क्या होना था, वो अटेंड करता यानी सेट में ही होता, तो इसमें तो सेट में है लेकिन इसमें सेट में नहीं है। ये सब कुछ डिफरेंस है जो आपको अच्छे से, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज भी अगर आपको लिखना पड़े तो आप अपने पास लिख करके सेव कर लीजिए। ठीक है, थर्ड नंबर, अगर मान लीजिए ओपन क्लोज्ड इंटरवल है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, एस, जैसे मान लीजिए ए पे ओपन है और बी पे क्लोज्ड है, तो अब आपको सोचने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों केस के लिए हम लोग लिख चुके हैं, तो ए मेरा फिर से क्या होगा, जी एल बी, और बी मेरा क्या होगा, एल यू बी। ठीक है, इंटरवल में इसको लिखना काफी आसान है, बस ये है कि ए मेरा कॉन्टेंड नहीं कर रहा, नॉट अटेंड, ए मेरा एस में नहीं है और ये मेरा एस में है। ठीक है, तो इसको हम तो बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू, कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, लेकिन हम इसको मिनिमम नहीं कह सकते क्योंकि ये अटेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको जी एल बी, एल यू बी, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, मैक्सिमम, मिनिमम, इस सब में अब आपको फर्क बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, कुछ और चीज आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक और है आपका, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इस ऐसे एलिमेंट में हम लोग क्या बोलेंगे, तो चूंकि ये सिंगलटन एलिमेंट है तो इसमें जी एल बी और एल यू बी दोनों इक्वल होगा, और दोनों क्या होगा, खुद वो एलिमेंट होगा। ठीक है, चूंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट है तो ये बाउंडेड है, बोलिए ए और ए के बीच में। ठीक है, जो ए और ए के बीच में है तो वो क्या है, वो सिर्फ ए है, तो जी एल बी भी ए है और एल यू बी भी ए है, और दोनों चूंकि सेट में है तो क्या कर रहा है, ये अटेंड कर रहा है, अटेंड इन एस। ठीक है, ओके,